फ्रेंड्स, जो हरा धनिया और हरा पालक यूज़ करने के बाद हम वेस्ट थ्रो कर देते हैं, आज उसी वेस्ट से हम उगा रहे हैं नया हरा पालक और हरा धनिया। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम बैक टू माई चैनल ज्योति जीव जिंदगी। और आज एक बार हमारे साथ हैं अनुपमा जी। हेलो। जिनकी बालकनी हम एक वीडियो में देख चुके हैं और अनुपमा जी फेमस है अपनी ऑर्गेनिक बालकनी के लिए, जो सब कुछ हरी सब्जियां अपने घर में ही उगाती हैं और खाती हैं। और आज अनुपमा जी कुछ उगाने वाली हैं हमारे सामने ही। तो अनुपमा जी आज क्या दिखा रही हैं आप व्यूवर्स को? देखिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो चीज जो हम जनरली फेंक देते हैं। राइट। ये है पालक के कुछ रूट्स, जो हम पालक लेके इसके रूट्स बिल्कुल फेंक देते हैं। और ये है धनिया, जिसके रूट्स भी हम फेंक देते हैं। Right. लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि हम इसी वेस्ट से कैसे घर में सब्जियां उगाते हैं। हम पहले भी इनकी बालकनी में पालक देख चुके हैं जो उन्होंने इसी से ही उगाए थे। ये देखिए, कोई बीज हम यूज नहीं कर रहे हैं। ऊपर के पालक की हमने ऑलरेडी सब्जी बना ली है। ये पार्ट जो हम फेंक देते हैं, वही उसी से हम और पालक उगाएंगे आज। देखिए, इसके लिए मैंने एक मिक्सचर तैयार किया है जिसमें तीन टाइप के सॉइल है, थोड़ा सा सैंड पार्ट, थोड़ा सा जनरल मिट्टी जो होती है, और थोड़ा सा मैन्योर जो खाद है। मैं इसको इसमें मिक्स कर देती हूं। ये ऑलरेडी मैंने मिक्स किया है, पर आपको दिखाने के लिए मैं ये और इसमें डाल रही हूं। ओके ओके, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने, तीनों तरीके की सैंड को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम ट्राई करेंगे कि उसमें किसी तरीके के लम्स ना रहें। सैंड को मिक्स करने के बाद हम किसी चीज़ से होल करेंगे एंड उन होल्स में पालक की रूट को लगाएंगे। पालक की रूट्स को सैंड में अच्छे से इंसर्ट करेंगे ताकि हमारा पौधा, हमारी फसल अच्छे से ग्रो कर सके। हम एक पॉट में बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं लगा सकते हैं, उससे पालक के पौधा फैलेगा नहीं और अच्छे से ग्रो भी नहीं करेगा। वी शुड चूज द साइज ऑफ द पॉट एज पर द साइज ऑफ द रूट्स अप्रोप्रिएटली। ये जो पॉट साइज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पॉट में हमने पालक के तीन सेट्स ऑफ रूट को इंसर्ट किया है। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा। पालक की रूट के लिए हम जो स्टिक से होल कर रहे हैं, वो होल इतना गहरा होना चाहिए जिसमें कि पालक की रूट आसानी से चली जाए। यदि रूट ऊपर रहेगी तो भी पालक अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे एंड प्लीज बी केयरफुल, हमें हमारे प्लांट्स में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। एज वी ऑल नो दैट ओवर वाटरिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर डाइंग ऑफ एनी प्लांट। वाओ फ्रेंड्स, तो अभी आपके सामने अनुपमा जी ने पालक उगाई है और अब 15 दिन के बाद फिर हम दोबारा मिलेंगे आपके साथ और तब देखेंगे कि इस पालक में कितना पालक ग्रो किया है। और इस पॉट में अब हम धनिया उगा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब इस वाले पॉट को भी अनुने तैयार कर लिया है और इस पॉट में हम उगा रहे हैं धनिया। ये वही धनिया है जिसका सिर्फ रूट लिया गया है। Right. आप इसको पानी में भी डाल के हर दिन पानी चेंज करके उगा सकते हैं, इसके नए पत्ते खिल जाएंगे। लेकिन हम इसको अभी इसी में मिट्टी में ही उगाने की कोशिश करेंगे आज। कुछ लोग कोकोपीट यूज करते हैं या कुछ और मैन्योर यूज करते हैं, बट हमारी मिट्टी में हमने तीन टाइप का सॉइल दिया है जो आपको दिखा दिया। सॉइल जो है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, उसी में ही अच्छा क्रॉप उगेगा। एंड डोंट वरी व्यूवर्स, इसका रिजल्ट क्या होगा वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 30 डेज की कैसी इसमें हमारे धनिया और पालक कैसे उगते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इसमें धनिया भी हमने उगा दिया है। इसकी ग्रोथ हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हमने आपके सामने पालक और धनिया जो हम वेस्ट फेंकते हैं उस वेस्ट को ना फेंक कर आपके सामने हमने उगा लिया है। तो अनुपमा जी के साथ अब हम देखेंगे इसकी ग्रोथ टाइम टू टाइम। अनुपमा जी, क्या 15 दिन में कुछ ग्रोथ आ जाएगी? हम व्यूअर्स को दिखा पाएंगे? बस अपनी जड़ें पकड़ ले तो इसमें ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। वाओ। सो फ्रेंड्स, अनुपमा जी के साथ फिर एक वीडियो में मिलूंगी आपके साथ और अपनी इस नई फसल के साथ। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, ब्लेस यू ऑल।